हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ और डेल की अभी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है 22 इंच की एलईडी मॉनिटर आपको देखने को मिल रही है वाली एलईडी। और इसको बॉक्स को मैं करता हूँ ओपन और बॉक्स कंटेंट में देखते हैं क्या क्या अपने को देखने को मिलता है और गेमिंग क्वालिटी कैसी क्या मेरे को इस मॉनिटर में अपने को देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ मैं एलईडी को अनबॉक्सिंग। उससे पहले करता हूँ मैं इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। तो यहाँ अपने को डेल का लोगो दिख ही रहा है और एक अच्छी सी ग्राफिक्स यहाँ मेरे को देखने को मिल रही है बॉक्स के ऊपर ही। और जो इसका मॉडल है SE2219HX, ये इसका मॉडल है जो अभी लॉन्च हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में इसे आए हुए। तो फ्रेंड्स, इस मॉनिटर की मैन्युफैक्चर यहाँ दी हुई है सितंबर 2019 और बॉक्स पे जो MRP दी हुई है वो है 9726। ये मार्केट में आपको 8500 से लेके 9000 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, करता हूँ मैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। बात करूं मैं बॉक्स पैकिंग की तो यहाँ मेरे को काफी अच्छी पैकिंग डेल की यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ ये दिया हुआ है यूजर मैनुअल और आप इसको अच्छे से रीड करके आप अपने मॉनिटर को आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं पावर केबल, अपने को मिल जाती है बॉक्स में पावर केबल। और पावर केबल की क्या क्वालिटी है, बहुत अच्छी मेरे को यहाँ पावर केबल की क्वालिटी देखने को मिल रही है। मार्केट में ये आसानी से मिलती नहीं है ऐसी वाली केबल। और साथ में दिया हुआ है HDMI केबल और HDMI केबल की भी क्वालिटी मेरे को काफ़ी यहाँ यूनिक देखने को मिल रही है। और अपने को मिल जाता है यहाँ ये स्टैंड, यहाँ अपने को मिल जाता है टेबल टॉप स्टैंड और स्टैंड भी काफ़ी अच्छा यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है। पहले वाले मॉडलों में जो स्टैंड आता था उससे मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है ये देखो स्टैंड, और बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे को देखने को मिल रहा है ये। और मैं ये अपने को मिल जाता है इसके साथ इसको इंस्टॉल करने के लिए, और मैं अभी इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। इसकी भी मेरे को क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं निकालता हूँ एलईडी मॉनिटर को बाहर। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने फर्स्ट लुक 22 इंच एलईडी मॉनिटर का और यहाँ डेल की दी हुई है ब्रांडिंग। बात करूँ मैं इसके पैनल की तो मेरे को ये काफ़ी यूनिक सा लग तो रहा है, लेकिन ये पहले वाला मॉडल ही मेरे को देखने को मिल रहा है जो डेल के पहले 22 इंच के मॉनिटर आते थे उसके सेम जैसे की जैसी कॉपी ये मेरे को देखने को मिली है। बात करूँ मैं HP के 22F मॉडल की तो यहाँ ये मेरे को इतनी स्लिम यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, उसमें बहुत स्लिम मेरे को ये देखने को मिल रही है। और आने वाले वीडियो में आपको कंपेरिजन भी करके बताऊँगा डेल वर्सेज HP की वो 22 इंच LED मॉनिटर की। फिलहाल मैं करता हूँ इसके पोर्ट्स की बात। तो यहाँ आपको मिल जाता है पावर बटन और ये आपकी इस मॉनिटर की सेटिंग को कोई भी चेंज करना हो आपको तो ये वाले बटन आप इसे यूज कर सकते हो। बात करता हूँ मैं इनके पोर्ट्स के बारे में तो यहाँ भी ये देखो डेल की ब्रांडिंग यहाँ दी हुई है पीछे की तरफ भी। यहाँ अपने को मिल जाता है पावर पोर्ट और साथ में मिल जाती है अपने को HDMI पोर्ट और साथ में मिल जाती है अपने को VGA पोर्ट। तो फ्रेंड्स, मैं इसको आपको इंस्टॉल करके और आपको वीडियो क्वालिटी और इसमें गेमिंग खेल के देखता हूँ कैसी क्या क्वालिटी मेरे को देखने को मिलती है। फिलहाल मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल। और फ्रेंड्स, मेरे को इस एलईडी के अंदर एक मेरे को एक अच्छा फीचर्स यहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट पावर केबल लग रही है, चार्जर का सिस्टम ही कंपनी ने हटा दिया इस बार।
फ्रेंड्स मैंने इस एलईडी मॉनिटर को इंस्टॉल कर दिया है। फ्रेंड्स सबसे पहले इस मॉनिटर एलईडी में मैं आपको वीडियो क्वालिटी टेस्ट कराना चाहता हूँ, देखते हैं कैसी क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है। फ्रेंड्स मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है मेरे को। फिलहाल मैं इसमें गेम खेल के देखता हूँ कैसा मेरे को 60 FPS का यहाँ सपोर्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें गेम खेलने जा रहा हूँ और मैं इसमें स्नाइपर इलाइट 4 गेम खेल के आपको दिखा रहा हूँ। और तो फ्रेंड्स इस एलईडी में मेरे को जो सबसे बड़ी कमियां देखने को मिल रही है, हेडफोन के लिए पहले ऑडियो आउटपुट मिलता था 22 इंच एलईडी मॉनिटर के अंदर, लेकिन इस वाली मॉनिटर एलईडी के अंदर आप हेडफोन के लिए ऑडियो आउटपुट का यहां पोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जो मेरे को बहुत बड़ी यहां कमी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इस एलईडी मॉनिटर के अंदर अब आपको वीडियो क्वालिटी टेस्ट कराई, वीडियो क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है। बात करूँ मैं इस एलईडी के गेमिंग ग्राफिक्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ अपने को 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये गेमिंग के लिए आप गेमिंग खेल सकते हो, काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्राइस बताई, अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो ये आपको 8500 से 9000 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करूँ मैं इसके रेजुलेशन की, तो आपको ये फुल HD रेजुलेशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी वो LED जिसकी मैंने अभी आपको वीडियो क्वालिटी टेस्ट कराई, वीडियो क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये पैनल, ये बेजल मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी पुराने वाला मॉडल जो मार्केट में आ रहा था वही मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है, केवल मॉडल ही चेंज कर दिया है। और ये जो बेजल है, ये बेजल मेरे को मोटा ही देखने को मिल रहा है। HP की LED आती है 22F, उसका बेजल मेरे को बहुत स्लिम देखने को मिल रहा है। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें 22F वर्सेज डेल वाली ये मॉनिटर जो अभी लॉन्च हुई है 2219HX, इन दोनों को मैं कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा कौन सी LED की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है और कौन सी बेटर है। फिलहाल अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो ये मार्केट में आपको 8500 से 9000 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो इसकी वारंटी की बात है वो है 3 ईयर वारंटी आपको इसमें होम सर्विस मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।